आज बात करेंगे हम यहाँ पे जो है नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। नेचर जो आपकी लाइट वो कैसी है, तो हेडिंग लिखो नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले जो बताया था, देखिए सबसे पहले जो लाइट को, लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर की है। सबसे पहले ये चीज़ किसने बताई थी? न्यूटन ने बताया था। न्यूटन का नाम जानते हो सभी? तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टिकल नेचर जो होता है वो सबसे पहले किसने बताया? यहाँ पे न्यूटन ने बताया इसको, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली सबसे पहले आपका पार्टिकल नेचर जो बताया था वो न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ने उस टाइम पे एक थ्योरी दी थी कॉर्पस्क्यूलर। उस थ्योरी का नाम क्या बेटा, क्या नाम है? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर इसने ये बताया कि जो पार्टिकल्स है, मतलब लाइट जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको कॉर्पस्क्यूलर ऑफ लाइट भी बोला था इसने। क्या बोला था? कॉर्पस्क्यूलर ऑफ लाइट बोला था इसने। क्या कहा कि जो लाइट है आपकी, ये जो आ रही है, इसमें छोटे छोटे क्या आपके पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आपके क्या हैं, पार्टिकल्स से बनी हुई आपकी। और इस लाइट को इसने क्या बोला? कॉर्पस्क्यूलर ऑफ लाइट बोला, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म जो दी थी वो न्यूटन ने दी तो पार्टिकल जो नेचर है लाइट का वो किसने एक्सप्लेन किया था? न्यूटन ने, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपके 1856, ठीक है, 1856 में क्लर्क मैक्सवेल एक नाम साइंटिस्ट था, क्लर्क मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट आया। उसने कहा कि ये जो लाइट है वो आपकी वेव नेचर की भी होती है। लाइट जो है वो वेव नेचर की होती है। वेव नेचर मतलब जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये जो वेव है, कुछ इस तरह से वेव अगर जाती है तो उसको बोलते हैं वेव नेचर। इसने कहा कि लाइट जो है वो आपकी वेव नेचर की होती है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन सी बात होगी, एक कह रहा पार्टिकल नेचर है, एक कह रहा आपका वेव नेचर है, तो है क्या एक्चुअल में? तो यहाँ पे दोनों की बात सही है। देखिए पार्टिकल नेचर से, जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, उससे जो आपका न्यूटन है उसने कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था फिजिक्स की, जैसे रिफ्लेक्शन है। जैसे कोई भी हम देखते हैं किसी भी, जैसे आपके आगे कोई पंखा है, कोई दीवार है, कोई सीनरी है, कोई पेड़ है, कोई भी चीज़ है, वो जो चीज़ दिखती है वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है, क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ती है और वो फिर आपके आई के थ्रू होती है, उसकी इमेज बनती है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो प्रॉपर्टी होती हैं आपकी। ये दोनों ही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किसके द्वारा होती है? ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के द्वारा होती है, ठीक है। पर कमी कहाँ पे आई? दो प्रॉपर्टी और होती है आपकी कहाँ पे फिजिक्स में, एक तो होता है यहाँ पे डिफ्रैक्शन, ठीक है, एक तो होता है डिफ्रैक्शन और एक होता है इंटरफेरेंस, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी जो है, एक तो इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टी जो थी वो आपकी पार्टिकल नेचर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की गई। ये पार्टिकल नेचर के द्वारा एक्सप्लेन हुई ही नहीं। पार्टिकल नेचर के द्वारा जो लाइट है वो डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस दोनों प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो आपका जो क्लर्क मैक्सवेल जो नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो लाइट है आपका वो आपका क्या है, यहाँ पे वेव नेचर का होता है। अगर हम लाइट को वेव कंसीडर कर ले तो ये प्रॉपर्टी जो है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये आपके आराम से एक्सप्लेन हो जाती थी,
ठीक है, तो इस सभी बातों का कंक्लूजन निकाल के ये निकला कि जो आपकी लाइट है, लाइट एक पार्टिकल नेचर भी है, जो कि न्यूटन ने बताया था, और एक आपका वेव नेचर भी है, जो कि आपका किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, दोनों को कंसीडर करके ये कह दिया कि लाइट जो वो ड्यूल ड्यूल दोनों ड्यूल नेचर होती है। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आपका है, ड्यूल नेचर की होती है आपकी लाइट। तो लाइट जो हो बेसिकली दोनों ही नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की भी होती है और वेव नेचर की भी होती है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मैंने आपको सिंपली इंट्रोडक्शन दिया है अभी कि नेचर ऑफ लाइट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेचर ऑफ लाइट है बेसिकली, न्यूटन ने बताया था, मैक्सवेल था जो कि 1856 में कहा था कि नहीं, लाइट जो है वो वेव नेचर की भी होती है। तो इन दोनों को कंक्लूजन निकाल के हमने ये निकाला कि लाइट जो होती है वो आपकी ड्यूल नेचर की भी होती है। तो यहाँ से ये चीज़ एक्सप्लेन हुई। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो अब आप हेडिंग लिख दो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है क्या बेसिकली? ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ने? न्यूटन ने। किस थ्योरी में बताया था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बताया था। इस थ्योरी में इसने क्या कहा कि लाइट जो वो टाइनी पार्टिकल से बनी होती है, जिसका नाम इसने क्या बताया, कॉर्पस्कुलर ऑफ लाइट नाम बताया इसने। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या कहा कि यहाँ पे इसमें लिखना कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन बाय न्यूटन इन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये थ्योरी थी, ये साइंटिस्ट का नाम था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या था, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से आपकी बनी है। ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स यहाँ पे विच इज नोन एज विच इज नोन एज कॉर्पस्कुलर ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है भाई, लिख दिया सभी ने। चलिए ठीक है, तो यहां पे अब लिखना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ प्रोसेस आर एक्सप्लेन बाय यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को लेते हुए हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन प्रोसेस जो वो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफ्रेक्शन
और दूसरा प्रोसेस था आपका कौन सा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बोथ प्रोसेस कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इतनी बात बताई थी आपका जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में आपका न्यूटन के द्वारा। अब यहाँ पे अब आता है यहाँ पे वेव नेचर। तो हेडिंग लिखो वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई थी? यहाँ पे वेव नेचर जो है वो बेसिकली आपका क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया था, तो इसमें लिख देते हैं इट एक्सप्लेन, किसके द्वारा एक्सप्लेन होती है? बाय क्लर्क मैक्सवेल इन 1856। 1856 में क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया था कि ड्यू आपका जो लाइट है वो आपका वेव नेचर का होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लर्क मैक्सवेल कल्क मैक्सवेल है, ये वही मैक्सवेल है जिसने ये बताया था कि आपकी कोई चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो मूव करता है तो वो आपका क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता हुआ जाता है। ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी जिसका नाम था। अब यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो ये लाइट जा रही है आपकी, ये इसकी डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में जा रहा। ठीक है, और यहां पे इसने कहा कि ये जो लाइट होती है आपकी, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं आपके। ये जो लाइट है आपकी उसमें तीन कंपोनेंट है आपके। एक कंपोनेंट आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है वो आपका हो गया कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कुछ ऐसा बनाया मैंने, ये एक्सिस आपकी इस साइड की, ये आपका कुछ इस तरह से मैंने इस कंपोनेंट को ड्रॉ किया है कि ये आपके एक्सिस है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैंने इसको ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है सभी को? अब मैं एक कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ये जो कंपोनेंट है इसके जस्ट परपेंडिकुलर बनाऊंगा, मतलब कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा इसमें, तो इसके जस्ट 90 डिग्री बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसको, जस्ट इसके 90 डिग्री का ही है। ये जो डॉटेड लाइन है ब्लू कलर की, ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या आपकी जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वहां पे आपका ये क्या होगा, प्रोपिगेशन ऑफ जो डायरेक्शन है, तो ये जो है आपका वो क्या है, प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हो आप इसको। मतलब तीन कंपोनेंट इसने बताए कि लाइट के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एक डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है।
ठीक है, और ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर, अब मैं शो कर रहा हूँ कैसे तीनों परपेंडिकुलर होंगे आपके। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ पे ब्लू कलर की ये जो लाइन जा रही है डायरेक्शन ऑफ, ये आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन कलर का आपने ये ड्रॉ किया है, और एक आपका यहाँ पे ये है, ये वाला, ठीक है, जो आपने तीसरा ड्रॉ किया है। तो कुछ इस तरह से आपको ये देख रहा है, ये आपकी लाइन होगी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर हो गया। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल वर्ड यूज किया जाता है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो यहाँ पे, ये बात लिख दी सभी ने। उतार दिया सभी ने, समझ में तो आ गया ना क्या कह रहा है। तीन कंपोनेंट है जो आपके लाइट है, उसके अंदर तीन कंपोनेंट हैं। जब ये वेव की तरह बिहेव करता है, उसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक वेव आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ये एक दूसरे के क्या हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं। जैसे आपका ये का हो गया आपका ये, पर एक ये है और एक आपका ये अंगूठा है। ठीक है, ये अंगूठा आपके जस्ट है, तो ये और ये, इन तीनों में आपके क्या 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव थ्योरी जो है उसमें कुछ बातें थी, इसमें कि कुछ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर थे। तो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर, क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर। पहला तो यहाँ पे ये है कि जो आपकी वेव बनी हुई है उसमें तीन कंपोनेंट हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है। और तीनों सभी के सभी जो कंपोनेंट है वो आपके क्या है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं आपके। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका ये है कि वेव वेव हैविंग वेव हैविंग थ्री कंपोनेंट्स थ्री कंपोनेंट्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ है ना, पहला पॉइंट समझ में आ गया, तो दूसरा करूं, बोलिए। देखिए मैंने आपको ये बताया था स्टेबिलिटी जो एटम की है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो आपका क्या होगा, अगर मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तो वो एनर्जी को क्या करता जाएगा, लॉस करता जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी जब तक लॉस होती जाएगी, जब तक उसकी एनर्जी क्या हो जाए, खत्म ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही ये जो कॉन्सेप्ट आया था वो मैक्सवेल ने ही बताया था कि वेव जो है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, आपकी इमिट करती रहती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब ये प्रोपिगेट करती है तो वेव
कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोपिगेशन, ड्यूरिंग प्रोपिगेशन जब ये आपका प्रोपिगेट करता है, मूव करता है, उस दौरान जो है आपकी वेव जो हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करती रहती है, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहता है। लिख दिया सभी ने? ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या है? थर्ड पॉइंट आपका ये है कि जो वेलोसिटी होती है वेव की वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो वेव है वो आपकी जो मूव करती है वो किस वेलोसिटी से करती है आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमें पता भी है, मैंने बताया भी था आपको, जो वेलोसिटी होती है जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अपन ने बात भी की थी कि यहाँ पे जो है आपका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होगी आपकी यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी होगी जो वेव मूव करेगी, आपकी इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है बेटा? देखिए हमें पता है कि वैक्यूम है, जैसे आपका ऊपर चांद के ऊपर अगर चले जाएं तो अगर हम ऐसे बोले नॉर्मली तो वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि साउंड जो है, साउंड वेव जो होती है आपकी, ठीक है, जो साउंड वेव है उनको मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। सॉरी, मीडियम क्या है आपका, उसको मीडियम क्या है चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। जबकि अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपके, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं, नो मीडियम, ठीक है। जो वेव होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो आपके हैं, उनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये लाइट जो आपकी, नेचर ऑफ लाइट में इसने बताया कि जो लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे इसने क्या कहा, दे डू नॉट रिक्वायर्ड, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। ठीक है, ये मैक्सवेल की बात थी। लिख दिया सभी ने? बोलिए। देखिए अब यहाँ पे जो नेट कंक्लूजन निकाला गया इस बात का, क्या निकाला गया यहाँ पे, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूडेड दैट लाइट इज ड्यूल इन नेचर। जो आपकी लाइट है वो कैसी है, ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर का मीन्स क्या बेटा, यहाँ पे ये यह आपका पार्टिकल नेचर भी है और ये आपका वेव नेचर का भी है, ठीक है।
बोलिए।